दीपाली मिश्रा और दिनेश मिश्रा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता मिस नेशन 2022 सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड का आज दूसरा सफल दिन रहा, जिसमें सब कॉन्टेस्ट के अंतर्गत टैलेंट राउंड और क्वेश्चन आंसर राउंड में कंटेस्टेंट को अनुभवी जजेस द्वारा बारीकी से जांचा और परखा गया। टैलेंट राउंड में मिस नेशन 2022 के सभी कंटेस्टेंट ने डांस, एक्टिंग, पेंटिंग और सिंगिंग जैसी कलाओं का प्रदर्शन कर सभी जजेस को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही सभी ने एक साथ कैटवॉक कर रैंप पर अपनी अदाओं से जलवे बिखेरे। क्वेश्चन आंसर राउंड में कंटेस्टेंट ने जजेस द्वारा पूछे गए कई महत्वपूर्ण सवालों का पूरे आत्मविश्वास के साथ ज्यूरी मेंबर्स का पूरा सम्मान करते हुए अपने अपने तरीके से जवाब दिए। कुल मिलाकर मिस नेशन 2022 के लिए आज का दिन पूरी तरह से सफल साबित हुआ। हेलो, माई सेल्फ पायल भम्मानी, आई एम द मेकअप पार्टनर फॉर दिस इवेंट। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कंटेस्टेंट वेल प्रिपेयर्ड है। मुझे सबसे अच्छा लास्ट कंटेस्टेंट 14 का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। कुछ को स्टेज फियर हो रहा था ऐसा मुझे लगा, बाकी सब वेल प्रिपेयर्ड है। हेलो, आई एम फैशन एंथुसियास्ट और एज अ क्राउन डिज़ाइनर मैं इस इवेंट से जुड़ी हुई हूँ। वाकई में कॉन्टेस्टेंट ने बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए, दे आर रियली अप्रिशिएबल। और इट्स 2 साल से मैं इस कॉन्टेस्ट से जुड़ी हुई हूँ। मैं लास्ट ईयर भी एज अ गेस्ट मैं यहाँ आई थी। वाकई में काफ़ी अच्छा अरेंज करते हैं ये लोग, इट इज़ रियली अप्रिशिएबल। और कंटेस्टेंट ने सबसे बहुत अच्छा किया, वाकई में देर इज़ नो नेगेटिव पॉइंट अबाउट एनी थिंग। हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा चंदाराणा, फ्रेग्रेंस एनालिस्ट एंड अ परफ्यूमर, और इस इवेंट के साथ मैं आज गिफ्टिंग पार्टनर जुड़ी हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इन्होंने टैगलाइन दी हुई अपने इवेंट की कि सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी एंड वुमेनहुड, सो एप्ट है बिल्कुल, बिकॉज जितना दीपाली और दिनेश इस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं उतना कोई नहीं करता। सेकेंडली, इस टैलेंट राउंड की बात करें तो काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जिनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए, और दो चार कुछ ऐसे भी थे जिनको शायद थोड़ी और पॉलिशिंग की ज़रूरत है, बट ओवरऑल इट वॉज सुपर। मुझे सबसे अच्छा लगा जो जिन्होंने मराठी स्टाइल का डांस किया, वो सबसे बेस्ट लगा मुझे। उनके एक्सप्रेशंस, उनके डांस, उनका परफॉर्मेंस, उनकी एनर्जी, इट वॉज ब्यूटिफुल। आई एम बिलोंगिंग टू वैद्यनाथ लाइफ साइंसेज और मैं इनके साथ वेलनेस पार्टनर करके जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और इनफैक्ट बहुत अच्छे कंटेस्टेंट भी थे और बहुत पुअर परफॉर्मेंस भी थी। तो मैं रेट करना चाहूँगा, मुझे 3 परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। एक तो थी पेंटिंग, एक डांसिंग, और एक दूसरा जो डांसिंग और दूसरा टैलेंट जो था वो दोनों मिक्स था, वो बहुत ही अच्छा था, मतलब अप्रिशिएट। और टैलेंट वो होता है जो याद रह जाए, उसको टैलेंट बोलते हैं, कि जो हमारे दिल दिमाग में बस जाए। और बाकी जो था कुछ तो बहुत ही पुअर था जो रेट नहीं कर सकते, और कुछ बहुत अच्छे थे ओवरऑल जो था, मतलब कुछ कंटेस्टेंट मतलब रियली अप्रिशिएट, उसको टैलेंट बोलते हैं कि हाँ ये टैलेंट है। हम लोग टीवी पे देखते हैं, लोगों को देखते हैं कैसे करते हैं, पर आज हमने लाइव देखा, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मिस नेशन 2022 का आज सेकेंड डे है और यहाँ पर सब कॉन्टेस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है और उसके कुछ खूबसूरत जजेस हमारे साथ में। आइए जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस शो के बारे में, इस कॉन्टेस्ट के बारे में, आइए जानते हैं। मैम, क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कंटेस्टेंट्स कैसे हैं? कंटेस्टेंट्स बहुत सॉलिड हैं,
एक्चुअली, और मैं दीपाली को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हमारी वो सारी पास मेमोरीज, जब हम अपनी बेटियों को लेके जाया करते थे इन फैशन शोज़ के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, तो वो सब फ्लैशबैक में वापस चल रही थी। और एक्चुअली हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स या कुछ कुछ चीज़ों पर हमने अपनी बेटियों को जब देखा, तो वी वर थिंकिंग ऑफ कि तब जो जजमेंट्स जब वो जजेस देते हैं उनके जजमेंट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है इन लड़कियों के लिए। तो आई कैप्ट इन माइंड ऑल दोज थिंग्स और मैंने बहुत ही दिमाग से वाइसली सब चीज़ों को इन लोगों को मार्किंग्स दिए हुए हैं। थैंक यू। जजमेंट देना सही में बहुत हार्ड था, कोई बहुत इंटेलिजेंट थे, किसी का वॉक बहुत इंप्रेसिव था, किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, किसी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन सुन के मुझे लग रहा था गॉड शी इज डूइंग मॉडलिंग विद दिस, आई मीन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये भी आता है वो भी आता है वो भी आता है, मुझे लगता है कुकिंग पूछूंगी तो वो भी पक्का आएगी, इन लोगों को दे आर रियली गुड एट इट एंड बेस्ट बेस्ट विशेज, मे द बेस्ट पर्सन विन देयर। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक्चुअली हम लोग ना हमेशा अपनी बच्चियों को भेजते थे, तो आज मैं वो फील कर पाई हूँ यार कि कितने नर्वस रहते हैं सारे लोग, बट सारे जो भी यहाँ पर चीज़ें हुई बहुत ही कॉन्फिडेंस था लोगों में। अब देखते हैं नेक्स्ट फिनाले में क्या होता है। मेरा फेवरेट आई थिंक नंबर 3, उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करूँगी और ऑडियंस को सबको गुड इवनिंग। दीपाली मिश्रा और दिनेश भैया से मुझे 7 साल हुए हैं जुड़े हुए, एंड मेरे हिसाब से तो हर साल वो एक ब्लास्ट के साथ यहाँ पर आते हैं। हर साल ये जो लड़कियाँ हैं ये गर्ल्स नहीं हैं, दे आर डायमंड्स, और उन्हें दीपाली और दिनेश भैया तराश रहे हैं। इनके बारे में, इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये बहुत आगे तक जा सकती हैं, इन्हें सही एक गाइडेंस की ज़रूरत है। शो बहुत सारे होते हैं पर मार्गदर्शन हर शो नहीं कर पाता है, जो मार्गदर्शन उनको इस स्टेज पे मिल रहा है वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, मैं किसी को वो नहीं कर सकती किसने कम बोला किसने ज़्यादा, लेकिन कुछ लड़कियां हैं दिमाग में बहुत ही पॉजिटिव थी अपने करियर को लेके और बहुत अच्छे से आंसर्स किए उन्होंने। न्यूसी कैसा रहा आज दिन भर के जर्नी, क्या क्या हुआ, कौन से कंटेस्टेंट और आपको किस तरीके से टेस्टिंग की गई आज? तो पहले हमारा तो योगा सेशन हुआ जो बहुत ही प्यारा था। उसमें हमको सच में बताया कि योगा का मतलब क्या होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस, तुम्हारी डेफिनेशन होनी चाहिए फिटनेस की, तो वो हमको समझाया। फिर उसके बाद डांस, जिसमें हमने बहुत इन्जॉय किया, हर चीज़ को बहुत फील किया और बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद हमारे सेशंस चले, रिहर्सल सेशन हुआ, उसमें हमको बताया कैसे कैसे वॉक करना है, किस तरह से पोज करना है, कितने कॉन्फिडेंट रहना है, कैसे स्माइल करना है हमेशा, बिकॉज जब भी हम स्माइल करते हैं तो आसपास के लोग खुश हो जाते हैं, तो इसलिए। फिर उसके बाद हमारा ये प्री जजमेंट राउंड था और टैलेंट राउंड था। टैलेंट राउंड में सबने बहुत प्यारा परफॉर्म किया और आई थिंक जजेस सच में कन्फ्यूज होंगे कि किसको देना चाहिए। 2 दिन की जर्नी बची हुई है आपकी, क्या प्लान्स है 21 तक, कितने दूर हो आप क्राउन से विनर के? बहुत 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 पास हूँ, दूर की तो बात ही नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सबसे ज़्यादा तो यहाँ बहुत कुछ सीखने मिल रहा है और मुझे सीखना बहुत पसंद है, तो मैं आगे के 2 दिन बहुत कुछ नया नया सीखूंगी और सब कुछ इम्प्लीमेंट करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये जीतूं। मिस नेशन 2022 की कंटेस्टेंट नंबर 3 कविता आज हमारे साथ में, जो कि हिमाचल की कुल्लू से है, उनसे जानते हैं कि उनकी आज दिन भर की जर्नी कैसी रही। आज की हमारी पूरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि आज हमारा सब कंटेस्टेंट राउंड था और टैलेंट राउंड था, प्री जजमेंट थी, तो सभी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और मतलब कि मैं होप करती हूँ कि मैं अच्छा करूँगी और मतलब आज बहुत ही अच्छा दिन था। देखिए ये तीनों जो राउंड हुए हैं उसमें सबसे अच्छा मतलब सबसे चैलेंजिंग राउंड आपके लिए कौन सा रहा? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आंसर राउंड, क्योंकि वहीं पे मैं थोड़ा सा लैक कर लेती हूँ, और बाकी टैलेंट राउंड के लिए मैं कॉन्फिडेंट थी और सब कंटेस्टेंट के लिए भी मैं कॉन्फिडेंट थी, बट इसके लिए थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा इसमें थोड़ा पीछे हूँ बस। अभी और 2 दिन बचे हुए हैं, तो क्या आपके प्लान्स क्या है अभी 21 तक, जैसे फिनाले तक क्या कैसे प्लान है और आप क्या दिमाग में रखे, माइंडसेट क्या किया हुआ आपने? एक्चुअली मैंने ज़्यादा माइंडसेट कुछ भी नहीं किया है, बस मैं मेडिटेशन करती हूँ और कल का भी हमारा बहुत ही टाइट शेड्यूल है। कल भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, क्रिकेट है, गोल्फ है, स्पा एक्टिविटी है, तो मतलब कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है, 3-4 दिन से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है और सभी बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, सभी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है।
थैंक यू वेरी मच कविता एंड वेरी बेस्ट लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी।